नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज जूम में। दोस्तों, दिसंबर 2018 के जितने भी करंट अफेयर्स थे उसका पार्ट टू हम लेकर आए हैं, 16 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक। पर डे के जो वीडियोस आप नहीं देख पा रहे थे तो कोई बात नहीं, हमने इसके सभी क्वेश्चंस को मिलाकर एक वीडियो तैयार किया है। इस PDF का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहाँ पर सारे PDF आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी अगला वीडियो अपलोड हो तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आंसर है ओडिशा। ठीक है, क्वेश्चन टू, किस देश ने हॉकी वर्ल्ड कप 2018 खिताब जीता? बेल्जियम ने। ठीक है, और क्वेश्चन थ्री, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में बेस्ट गोलकीपर का खिताब फिरमिन ब्लॉक को दिया गया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? नीदरलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? भूपेश बघेल। क्वेश्चन फाइव, बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय शटलर कौन हैं? पीवी संधू। क्वेश्चन सिक्स, हाल ही में किस देश ने भारतीय 200, 500, 2000 के नोटों पर बैन लगा दिया है? नेपाल ने। क्वेश्चन सेवन, 16 दिसंबर को देश में कौन सा दिवस मनाया गया? 16 दिसंबर को देश में विजय दिवस मनाया गया। क्वेश्चन एट, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारतीय दौरे पर थे? फ्रांस। क्वेश्चन नाइन, हाल ही में भारत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री क्या कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ए राजस्थान में अशोक गहलोत, बी मिजोरम जोरमथंगा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, और बी तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, और ई छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल। तो ये 5 राज्यों के लिए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन टेन, निम्न में से किसने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की शपथ ली है? भरत भूषण व्यास। क्वेश्चन ग्यारह, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 के फाइनल किन टीमों के मध्य खेला गया था? तो हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल जो बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच खेला गया था भारत के ओडिशा में, और यहाँ विजय जो है बेल्जियम टीम विजेता रही थी इस वर्ल्ड कप की। ठीक है, और नीदरलैंड उपविजेता। क्वेश्चन 12, पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ते हुए किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे तेज 25 टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? ए विराट कोहली। ठीक है, क्वेश्चन 13, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर शुरू हुआ है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा में शुरू हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 14, विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा प्लांट कहाँ पर क्रियाशील हुआ है? तो रूस में हुआ है। ठीक है, तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा प्लांट। क्वेश्चन 15, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 का खिताब किसने जीता है? श्री सैनी। ठीक है, क्वेश्चन 16, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 में टीमों के स्थान क्या रहे? तो इसमें विजेता जो टीम रही थी बेल्जियम, उप विजेता नीदरलैंड, तीसरे स्थान पर रही थी ऑस्ट्रेलिया टीम, और चौथे स्थान पर रही थी इंग्लैंड टीम। ठीक है, इसका आयोजन ओडिशा में हुआ था, और इस वर्ल्ड कप का सुपर कप जो था वो टर्टल ओली यानी कछुआ था। ठीक, क्वेश्चन 17, निम्न में से किस देश ने दिसंबर 18 में यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हाल ही में एकेडमिक लोमोनोसोव शब्द चर्चा में है, ये किससे संबंधित है? रूस द्वारा बनाया गया तैरता हुआ जो परमाणु ऊर्जा के प्लांट है उसका नाम जो है एकेडमिक लोमोनोसोव। ठीक है, क्वेश्चन 19, हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किस देश ने IM हिंदू अभियान चलाया है? अमेरिका ने। क्वेश्चन 20, इमर्जिंग एशिया कप टीम श्रीलंका ने किस देश को हराकर जीता है? भारत को। ठीक है, क्वेश्चन 21, किस पूर्व प्रधानमंत्री की 95वीं जयंती पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा भारत सरकार ने की है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, क्वेश्चन 22, भारत हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का क्या नाम है? इसका आंसर है फैथई तूफान। ठीक है, क्वेश्चन 23, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में किस देश की कैटरीना एलिसा ग्रे ने खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स फिलीपींस से बनी है कैटरीना एलिसा ग्रे, और मिस वर्ल्ड जो बनी है वेनेसा पोंस वो मेक्सिको की है। ठीक है, क्वेश्चन 24, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस भारतीय अभिनेत्री को दिया गया है? सोनम कपूर को। क्वेश्चन 25, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 18 दिसंबर को। क्वेश्चन 26, भारत और किस देश की सेनाओं के मध्य इंद्र नौसेना अभ्यास का 10वां संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समाप्त हुआ? तो भारत और रूस की सेनाओं के मध्य में यह इंद्र नौसेना का अभ्यास था। ठीक है, क्वेश्चन 27,
केंद्र सरकार ने सभी गरीबों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने हेतु किस योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है उज्ज्वला योजना, ठीक है। क्वेश्चन 28, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं कुलदीप राका। क्वेश्चन 29, हाल ही में वन सिटी वन ऑपरेटर स्कीम चर्चा में है, इसका संबंध किससे है? वन सिटी वन ऑपरेटर ये सीवरेज नेटवर्क से है, इस योजना के संबंध में। क्वेश्चन 30, उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु ट्रांसजेंडर विधेयक किस ने पारित किया है? तो लोकसभा ने पारित किया है, ठीक है। क्वेश्चन 31, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी फटने के बाद सुनामी से 168 लोगों की मौत हुई और 600 लोग घायल हुए हैं? तो वो इंडोनेशिया में, ठीक है। क्वेश्चन 32, 24 दिसंबर को देश में कौन सा दिवस मनाया गया? 24 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन 33, वर्ष 2018 में मनिका बत्रा और शरद कमल ने किस खेल में ऐतिहासिक मेडल जीते हैं? मनिका बत्रा और शरद कमल जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। क्वेश्चन 34, भारत का शेयर बाजार किस देश के शेयर बाजार को पीछे छोड़कर दुनिया का सातवां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? जर्मनी, ठीक है। क्वेश्चन 35, किस देश ने दुनिया भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा चीन, ठीक है। क्वेश्चन 36, हाल में तीन बैंक विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के विलय को किसने मंजूरी दे दी है? वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। क्वेश्चन 37, हाल ही में भारत एक्ट 75 जुखाड़ नीति किसने जारी की है? तो ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। क्वेश्चन 38, हाल ही में ग्रामीण भारत पर बनी किस फिल्म को ऑस्कर 2019 के लिए नामित किया गया है? तो इस फिल्म का नाम है पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन 39, पूर्व भारतीय कप्तान अनुप कुमार ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो अनुप कुमार जो भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान थे, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्वेश्चन 40, भारत का कौन सा राज्य स्टार्टअप को बढ़ावा देने में प्रथम स्थान पर है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गुजरात जो है वो प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन 41, नवंबर के महीने के बाद कौन सी करेंसी एशिया की बेस्ट परफॉर्मर करेंसी बन गई है? वो है भारतीय रुपया, ठीक है। क्वेश्चन 42, निम्न में से किस कार को इंडियन कार ऑफ द ईयर चुना गया है? तो भारत की जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार है उसे इंडियन कार ऑफ द ईयर चुना गया है। क्वेश्चन 43, पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को 7 वर्ष की सजा सुनाई है? नवाज शरीफ को, ठीक है। क्वेश्चन 44, भारत के किस राज्य में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? असम में, ठीक है। क्वेश्चन 45, निम्न में से किस भारतीय ने साइकिल से विश्व का चक्कर सबसे तेज लगाने का एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है वेदांगी कुलकर्णी। क्वेश्चन 46, भारत के पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? तो वो है तमिलनाडु के तिरुवयारू में। क्वेश्चन 47, हाल ही में चर्चा में क्राकोटोवा द्वीप जो रहा है वो किस देश में स्थित है? वो इंडोनेशिया में है, ठीक है। क्वेश्चन 48, हाल ही में किस संगठन ने भारत का सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया है? तो वह सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन 49, पूर्व कप्तान अनुप कुमार ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? कबड्डी से, ठीक है। क्वेश्चन 50, 25 दिसंबर को देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो है सुशासन दिवस, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में देश की सबसे लंबी रेल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन किया है? उसका आंसर है असम। क्वेश्चन 52, निम्न में से किस राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में 28 मंत्रियों को जो है शपथ दिलाई थी? तो वो है मध्य प्रदेश के, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं तो पांच राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ पर कौन मुख्यमंत्री बने हैं और वहाँ के राज्यपाल कौन है, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल वहाँ कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ, आनंदीबेन पटेल वहाँ राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल वहाँ पर भी, मिजोरम मुख्यमंत्री वहाँ जोरमथंगा और राज्यपाल वहाँ के कुमनम राजशेखरम, तेलंगाना मुख्यमंत्री वहाँ के चंद्रशेखर राव हैं और वहाँ के राज्यपाल ESL नरसिम्हन, ठीक है। क्वेश्चन 53, भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकीकरण पुरस्कार किस महान हस्ती के नाम पर शुरू किया है? तो एकीकरण पुरस्कार जो है वो सरदार पटेल के नाम से शुरू किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 54, 106वीं भारत विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जालंधर पंजाब में, ठीक है। क्वेश्चन 55, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया?
वो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 56, भारत के पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु के तिरुवयर में। ठीक है, क्वेश्चन 57, हाल ही में चर्चा में रहा क्रकोटोवा द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया। ठीक है, क्वेश्चन 58, हाल ही में किससे भारत के शीर्ष परफॉर्मिंग थाने का पुरस्कार मिला है? तो भारत का शीर्ष जो परफॉर्मिंग थाना जो है वो राजस्थान के कालू में एक स्थान है, वहाँ के थाने का जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 59, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अरुण भादुड़ी का निधन हुआ है, वह क्या थे? वह गायक थे। ठीक है, क्वेश्चन 60, अमेरिका के रक्षा मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? अमेरिका के रक्षा मंत्री के रूप में पैट्रिक शनाहन की जो नियुक्ति हुई है। क्वेश्चन 61, हाल ही में किसने गुरुग्राम में सूचना समेकन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 62, हाल ही में ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को शामिल किया है? तो ICC ने हॉल ऑफ फेम में जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग को शामिल किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने गूगल से प्रतिस्पर्धा करने हेतु अंतरिक्ष आधारित ब्रॉडबैंड के लिए अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, क्वेश्चन 64, हाल 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? जालंधर, पंजाब। क्वेश्चन 65, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन IWC से अलग होने का फैसला लिया है? तो जापान देश ने जो है वो इस साल जो है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से अलग होने का फैसला लिया है। क्वेश्चन 66, भारत के पहले संगीत संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर होगी? तिरुवारू, तमिलनाडु में। क्वेश्चन 67, भारत की जो असम की कोकिला किसे कहा जाता है? तो असम की कोकिला जो है दीपाली बोरठाकुर को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 68, हाल ही में किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पर एक बिल पारित किया है? तो मॉब लिंचिंग पर जो मणिपुर ने बिल पारित किया है। क्वेश्चन 69, किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2018 जीता है? फीफा क्लब विश्व कप 2018 रियल मैड्रिड द्वारा जीता गया। क्वेश्चन 70, हाल ही में किस गोल्फ खिलाड़ी को टाइगर रिजर्व में शिकार के आरोप में पकड़ा है? तो वो है ज्योति रंधावा। ठीक है, क्वेश्चन 71, हाल ही में उत्तर कोरिया और किस देश के बीच एक रेल सड़क संपर्क की आधारशिला रखी गई है? तो हाल ही में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में रेल सड़क संपर्क की आधारशिला रखी गई है। क्वेश्चन 72, तीन तलाक से जुड़ा नया विधेयक हाल ही में किसने पारित किया है? लोकसभा ने। क्वेश्चन 73, हाल ही में भारत की पुरुष टीम का बॉक्सिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय पुरुष टीम के बॉक्सिंग कोच जो है सी कुटप्पा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 74, राष्ट्रीय बाल कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस 2018 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल रिकी पॉन्टिंग किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 76, किस राज्य सरकार ने टिहरी झील में सी प्लेन चलाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो टिहरी झील में जो सी प्लेन चलाने के लिए उत्तराखंड ने अपनी मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन 77, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2028 तक निम्न में से कौन सा शहर जो जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन जाएगा? वो है दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन 78, कुनो वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? कुनो वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित कलाकारों में से तानसेन पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? मंजू मेहता, एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और क्वेश्चन 80, अटल भाषांतर योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पार्ट टू था 16 से लेकर 31 दिसंबर 2018 के जितने भी घटना देखते हैं उनके ऊपर। और वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जैसे जहाँ पर आपको सभी PDF एक जगह मिल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।